हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टिल वाटर मूवी की। वेल, अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब स्टिल वाटर मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम बिल बेकर नाम के बंदे को देख पाते। वो अमेरिका में स्टिल वाटर नाम के एक प्लेस पर रहता था। बिल कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। काम खत्म होने के बाद बिल अपनी मॉम के घर आता है। बिल अपनी मॉम से कहता है कि मैं फ्रांस जा रहा हूँ और एलिसन के छूटने तक मैं वहीं पर रुकूंगा। यह सुनकर बिल की मॉम इमोशनल हो जाती है और वो बिल को एलिसन की बचपन की तस्वीर दिखाती है। वो कहती है कि तुम एलिसन को लेकर ही वापस आना। अब दूसरे दिन बिल फ्रांस जाने के लिए एयरपोर्ट पर आता है। कुछ देर बाद बिल फ्लाइट से फ्रांस पहुंच जाता है। बिल यहां पर एक जगह पर आता है और एक होटल में रुकता है। अब रात के वक्त बिल आराम कर रहा था, तभी पास के रूम से आ रही लाउड म्यूजिक की वॉइस से वह डिस्टर्ब हो जाता है। बिल देखता है कि उस कमरे में दो लड़कियां थी। वह उन्हें म्यूजिक वॉल्यूम कम करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़कियां बिल से कहती है कि हमें तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। तब बिल वापस अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश करता है। दूसरे दिन बिल जेल में अपनी बेटी एलिसन से मिलने आता है। जेल में बिल का सामान चेक किया जाता है। अब बिल एक रूम में आता है। कुछ देर बाद एलिसन भी वहां पर आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। बिल एलिसन से कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ तुम्हें बहुत मिस करती है और उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ सामान भी भेजा है। अब एलिसन बिल को एक लेटर देती है और कहती है कि यह लेटर मेरी लॉयल लिंडा तक पहुंचा देना। अब बिल वो लेटर लेकर वापस होटल रूम में आता है। बिल देखता है कि पास के रूम के बाहर एक लड़की बैठी हुई थी, तो बिल उस लड़की को लेकर नीचे आता है और वहाँ रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से उस रूम की डुप्लीकेट चाबी लेता है और उस लड़की को देता है। चाबी लेकर वो लड़की अपने रूम में चली जाती है। अब बिल एलिसन की लॉयल लिंडा से मिलता है और उसे एलिसन का दिया हुआ लेटर देता है। अब वो लेटर पढ़ने के बाद लिंडा बिल से कहती है कि मैं एलिसन की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि किसी ठोस सबूत के बगैर एलिसन को बेगुनाह साबित कर पाना मुश्किल है। अब बिल वापस होटल रूम पर आता है, तभी कोई रूम का दरवाजा खटखटाता है। बिल देखता है कि पास के रूम से उस छोटी लड़की की मॉम आई थी, जिसका नाम मैगी था। मैगी उसकी बेटी को रूम की चाबी दिलाने के लिए थैंक यू कहती है। वही उस दिन लाउड म्यूजिक की वजह से बिल को जो परेशानी हुई उसके लिए भी माफी मांगती है। वो बिल से कहती है कि मुझे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आती है और आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर बताना। इतना कहकर मैगी वहां से चली जाती है। अब मैगी के जाने के बाद बिल को याद आता है कि एलिसन ने जो लेटर लिखा था वो फ्रेंच लैंग्वेज में था और लेटर में लिखी बातें ट्रांसलेट करने में मैगी उसकी मदद कर सकती है। तो बिल वो लेटर लेकर मैगी के पास आता है। मैगी उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें एलिसन ने लिखा था कि पैट्रिक नाम के एक प्रोफेसर ने सुना था कि अकीम नाम का आदमी एक लड़की पर हमला करके भाग गया था और शायद अकीम ने ही उस लड़की को यानी कि एलिसन की फ्रेंड एमेंडा को मारा था और इसी के बारे में पता लगाने के लिए एलिसन ने अपनी लॉयल लिंडा को लेटर लिखा था। एलिसन अकीम के डीएनए और क्राइम सीन के डीएनए मैच करवाना चाहती थी। एलिसन इनोसेंट थी और उसने 5 साल जेल में बिता दिए थे और अब भी उसे 4 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। इन सब से बिल और वरीड हो जाता है। मैगी भी एलिसन के बारे में जानकर बिल को दिलासा देते हुए कहती है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अब दूसरे दिन बिल एलिसन से मिलता है और उसे झूठा दिलासा देते हुए कहता है कि लिंडा इस केस में तुम्हारी मदद करेगी और उसकी मदद से हम तुम्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाल लेंगे। यह सुनकर एलिसन खुश हो जाती है और वो बिल से कहती है कि डैड मुझे आप पर पूरा यकीन है। अब कुछ दिन बाद बिल एक रेफरेंस के थ्रू एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलता है और उसे अपनी बेटी एलिसन के केस की बात करता है। बिल की बातें सुनकर वह डिटेक्टिव बिल को एलिसन के लेटर में जिक्र किए गए प्रोफेसर पैट्रिक से मिलने के लिए कहता है। वही डिटेक्टिव बिल से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को जेल से निकाल लूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मुझे $12,000 देने होंगे। अब बिल की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी तो वो वहां से चला जाता है। अब बिल होटल रूम में आता है। वो देखता है कि मैगी वहां से जा चुकी थी और मैगी की बेटी ने बिल के लिए एक गुड बाय लेटर भी लिखा था। अब दूसरे दिन बिल प्रोफेसर पैट्रिक से मिलने यूनिवर्सिटी में आता है। अब पैट्रिक बिल से कहता है कि तुम्हारी बेटी एलिसन का एमांडा के साथ अफेयर चल रहा था, यानी कि वो दोनों लेस्बियन थी। अब एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अब उसी दिन एमांडा को किसी ने मार डाला और यह मर्डर का इल्जाम एलिसन पर लगा था।
ट्रिक बिल से कहता है कि एलिसन ने अमांडा को नहीं मारा था और यह बात मेरी एक फ्रेंड ने बताई थी। तो पैट्रिक बिल से कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड से बात करो, वो शायद कुछ डिटेल दे पाएगी। अब बिल के पास मैगी का होम एड्रेस था तो वो मैगी से मिलने उसके घर आता है। बिल मैगी से कहता है कि मुझे एक लड़की से बात करनी है पर मुझे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती। तो मैगी बिल की मदद करती है, वो उस लड़की से बात करती है, उसका नाम एना था। मैगी एना को एलिसन के केस के बारे में डिटेल देने के लिए कहती है। तब एना मैगी से कहती है कि तुम मुझे एक होटल में आके मिलो। अब यहाँ बिल को मैगी की फिर से हेल्प लेनी पड़ेगी तो वो मैगी से कहता है कि कल तुम भी मेरे साथ चलना। तो मैगी बिल से कहती है कि मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। अब दूसरे दिन बिल और मैगी एना से मिलने निकलते हैं। रास्ते में बिल मैगी से कहता है कि मेरी बेटी एलिसन यहाँ पढ़ने के लिए आई थी और जब अमांडा के मर्डर के आरोप में एलिसन को गिरफ्तार किया गया तब एलिसन की मॉम ने भी सुसाइड कर ली। कुछ देर बाद बिल और मैगी एना से मिलते। एना उन्हें कहती है कि मुझे वो लड़का मिला था जिसने अमांडा को मारा था, उस लड़के का नाम अकीम था। अब बिल एना से अकीम के बारे में जानने की कोशिश करता है पर एना कहती है कि मैं इससे ज्यादा अकीम के बारे में नहीं जानती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब मैगी और बिल वहाँ से निकलते। बिल काफी वरित था क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि अब भी अकीम के बारे में वो कुछ खास नहीं जानते थे। अब दूसरे दिन बिल एलिसन से मिलता है। एलिसन बिल से कहती है कि मुझे महीने में एक दिन बाहर जाने दिया जाएगा तो वह पूरा दिन बिल के साथ बिताएगी। अब एलिसन बिल को अपनी लॉ लिंडा के बारे में पूछती है तो बिल कहता है कि वो तुम्हारे केस पर ही काम कर रही है। अब बिल वहां से मैगी के घर आता है। यह मैगी बिल से कहती है कि हमें एलिसन के इंस्टाग्राम अकाउंट से काफी डिटेल मिलेगी। वो लोग एलिसन के इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करते हैं। उसमें कुछ फोटोज थे, यह उसी रात के फोटो थे जिस रात अमांडा का मर्डर हुआ था। उस रात एलिसन और अमांडा एक बार में पार्टी करने गए थे। अब दूसरे दिन बिल एलिसन से मिलता है और उसे वो फोटोज दिखाता है। बिल एलिसन को उन फोटोज में अकीम को ढूंढने के लिए कहता है। अब एलिसन अकीम को पहचान लेती है और वो बिल से कहती है कि आप जल्द से जल्द अकीम को ढूंढ ले। अब बिल वहां से निकलता है। बिल अकीम के फोटो शहर की शॉप में दिखाता है और सब लोगों से पूछता है। बिल पूरे शहर में अकीम को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कोई डिटेल नहीं मिलती। अब रात हो चुकी थी और बिल वापस होटल की ओर जा रहा था तभी कुछ लड़के बिल को रोक लेते और उसे परेशान करने लगते। बिल उन लड़कों से भी अकीम के बारे में पूछता है तो वो लोग बिल को यहां से चले जाने के लिए कहते। वही वो लोग बिल के साथ मारपीट करने लगते तभी वहां अकीम आता है। वो लड़के अकीम से पूछते कि यह आदमी तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है तो अकीम उन्हें कहता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। यहां बिल ने भी अकीम को देख लिया था। अब कुछ देर बाद वो लड़के बिल को एक जगह फेंक कर चले जाते। दूसरे दिन मैगी हॉस्पिटल आकर बिल से मिलती है। तब बिल मैगी से कहता है कि मैंने अकीम को ढूंढ लिया है। बिल ने पुलिस को भी इस बारे में बताया था पर उसे खास मदद नहीं मिली थी। अब बिल एलिसन से मिलता है। एलिसन देखती है कि बिल के चेहरे पर घाव के निशान थे जिससे वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। तब बिल एलिसन से कहता है कि उसकी लॉयर लिंडा ने मदद करने से मना कर दिया था इसीलिए वो खुद एलिसन की मदद करने के लिए यह सब कर रहा था। बिल कहता है कि मैंने अकीम को ढूंढ लिया है पर एलिसन कुछ सुनना नहीं चाहती थी। वो बिल को वहां से चले जाने के लिए कहती है। एलिसन बिल से कहती है कि अब मैं आपसे कभी मिलना नहीं चाहती। यह सुनकर बिल अपसेट होकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ से 4 महीने बाद की कहानी दिखाई गई है जहाँ बिल वहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगा था। उसे वहाँ पर एक वैन भी दी गई थी। बिल वहाँ से एक स्कूल में आता है और वहाँ से मैगी की बेटी माया को पिकअप करता है। बिल ने मैगी की बिल्डिंग में ही एक गर्ल ले लिया था। बिल मैगी से भी मिलता है और वो सबके लिए खाना बनाता है। मैगी भी बिल को उनकी इतनी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। अब बिल दूसरे दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर अपना काम कर रहा था तभी उसे लिंडा का कॉल आता है और वो बिल को अपनी ऑफिस पर बुलाती है। लिंडा बिल से कहती है कि एलिसन को एक दिन के लिए बाहर जाने दिया जाएगा और वो राइट टाइम पर वापस आ जाएगी तो उसे हर महीने एक दिन मिलेगा। लिंडा बिल से कहती है कि कल तुम एलिसन को पिकअप कर लेना। अब बिल एलिसन के लिए शॉपिंग करता है और कुछ टी शर्ट लेता है। वो मैगी के घर आता है तो उसकी मुलाकात एलन से होती है। एलन मैगी का दोस्त था और दोनों एक ही जगह पर काम करते थे।
कुछ देर बाद बिल किचन की ओर आता है तो उसे मैगी और एलन दिखाई देते जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो बिल सीधा अपने रूम में चला जाता है। दूसरे दिन सुबह बिल मैगी से कहता है कि आज मैं मेरी बेटी एलिसन को यहाँ पर लेकर आऊंगा। अब बिल एलिसन को पिकअप करने आता है। एलिसन जेल से बाहर आकर बिल से मिलती है। वो दोनों वहां से निकलते हैं। सबसे पहले एलिसन अपनी फ्रेंड एमांडा की ग्रेव के पास आती है और ग्रेव पर फूल रखती है। एमांडा की मौत से एलिसन काफी दुखी थी। अब बिल एलिसन को लेकर मैगी के घर आता है। एलिसन को देखकर मैगी खुश हो जाती है। एलिसन माया से भी मिलती है। अब रात के वक्त वो सब डिनर कर रहे थे। तब एलिसन मैगी से पूछते है कि क्या आप और मेरे डैड डेट कर रहे हैं? तो मैगी और बिल एलिसन से कहते है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। अब दूसरे दिन बिल एलिसन को वापस छोड़ने चला जाता है। वहां पहुंचकर एलिसन बिल से कहती है कि मुझे मैगी और माया अच्छी लगी। अब एलिसन बिल को हग करती है और वापस जेल में चली जाती है। कुछ दिन बाद रात के वक्त बिल पर एक कॉल आता है। तब बिल हॉस्पिटल में आता है। वहां डॉक्टर बिल को एलिसन से मिलाते और कहते हैं कि एलिसन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। यह सुनकर बिल बाहर आकर रोने लगता है। बिल घर आता है तो मैगी उसे दिलासा देती है। कुछ दिन बाद एलिसन के ठीक होने के बाद बिल उसे मिलता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब बिल और मैगी भी बाहर एक रेस्टोरेंट में डिनर करते है। वहां से घर आने पर मैगी कुछ सॉन्ग्स प्ले करती है और यहाँ पर मैगी और डांस करने लगते। वहां पर माया भी आती है और वो तीनों एक साथ डांस करने लगते। वो लोग काफी खुश थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि मैगी और बिल एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब दूसरे दिन बिल माया के पास आता है और उसे कहता है कि मेरे पास दो टिकट है और आज हम सॉकर मैच देखने जाएंगे। अब बिल माया को लेकर स्टेडियम में आता है। वो मैच देख रहे थे तभी बिल को अकीम दिखाई देता है। वो भी अपने दोस्तों के साथ सॉकर मैच देखने के लिए आया हुआ था। मैच खत्म होने के बाद सब लोग बाहर निकलते। बिल भी माया को साथ लेकर अकीम का पीछा करने लगता है। अकीम अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा था और बिल भी अपनी वैन में बैठकर अकीम पर नजर रख रहा था। अब अकीम अपने दोस्तों से अलग होता है और वहां से जाने लगता है। तब बिल भी उसका पीछा करता है। आगे एक जगह पर बिल चुपके से अकीम के पास आता है और उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। बिल अकीम को अपनी वैन में डाल देता है। अब बिल माया को लेकर घर आता है। दूसरे दिन बिल डिटेक्टिव से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे अकीम के खिलाफ एक सबूत मिला है और मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, बस एलिसन को किसी भी तरह जेल से बाहर निकालना होगा। यहाँ बिल डिटेक्टिव को अकीम के बाल देता है और उसे डीएनए चेक करवाने के लिए कहता है। बिल डिटेक्टिव को पैसे भी देता है और वहां से चला जाता है। तरफ बिल माया से भी कहता है कि तुम मैगी को अकीम के बारे में मत बताना। अब रात के वक्त बिल किचन से खाना लेता है और बेसमेंट में आता है। बिल ने अकीम को बेसमेंट में चेयर से बांधकर रखा हुआ था। बिल अकीम को खाना देता है। तब अकीम बिल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, पर यह मेरी गलती नहीं थी। अकीम बिल से कहता है कि यह काम करने के लिए मुझे एक लड़की ने कहा था और उसने बदले में मुझे एक नेकलेस भी दिया था और उस नेकलेस पर स्टील वाटर लिखा था। यह सुनकर बिल चौंक जाता है। वो अकीम के मुंह पर टैप चिपका कर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन डिटेक्टिव भी बिल के घर के करीब घूम रहा था क्योंकि बिल ने उसे अकीम के बाल डीएनए चेकअप के लिए दिए थे, तो डिटेक्टिव को शक था कि जरूर बिल ने अकीम के साथ कुछ किया होगा। तभी वहां मैगी आकर डिटेक्टिव से मिलती है। यह डिटेक्टिव मैगी से कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का ऑफिसर हूं। डिटेक्टिव जानना चाहता था कि मैगी के घर के बेसमेंट में सब ठीक है या नहीं। तब मैगी कहती है कि बेसमेंट में सब चीजें ठीक है और हम कभी बेसमेंट यूज भी नहीं करते। यह सुनकर डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद मैगी के घर पुलिस आती है और वो लोग बिल को पकड़ लेते हैं। वो बिल से उसका आईडी मांगते हैं। वहीं वो लोग बिल को लेकर घर के बेसमेंट की ओर आगे बढ़ने लगते। यहाँ ऑफिसर बेसमेंट को चेक कर रहे थे जिससे बिल डर जाता है, पर ऑफिसर को बेसमेंट में कोई नहीं मिलता। अब वो ऑफिसर बिल को लेकर बेसमेंट से बाहर आते। एक ऑफिसर माया से बात करना चाहता था। वो ऑफिसर माया से घुमा फिरा कर बात करके यह जानने की कोशिश करता है कि क्या बिल ने किसी लड़के के साथ कुछ किया था या नहीं, लेकिन माया ऑफिसर से कहती है कि बिल ने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया और वो काफी अच्छा इंसान है। कुछ देर बाद वो ऑफिसर वहां से चले जाते। अब मैगी माया को अपने रूम में जाने के लिए कहती है और वो बिल से पूछती है कि तुम्हें अकीम कहाँ पर मिला था।
तो बिल कहता है कि अकीम मुझे सॉकर मैच के वक्त स्टेडियम में मिला था। अब मैगी भी जानती थी कि उस वक्त माया भी बिल के साथ थी। इस बात से नाराज होकर मैगी बिल को वहां से चले जाने के लिए कहती है। तब बिल अपना सामान वैन में रखने लगता है। यहां माया भी बिल के पास आकर उसे हग करती है और बिल वहां से फिर से होटल रूम में चला जाता है। अब लिंडा कॉल करके बिल को मिलने के लिए बुलाती है। वो बिल से कहती है कि एलिसन का केस फिर से रीओपन हुआ है, जिसमें एक नए लड़के का नाम उस केस में डीएनए मिलने की वजह से मिला है और अब एलिसन जेल से छूट जाएगी। अब कुछ दिन बाद एलिसन जेल से छूट जाती है और वो अपने शहर स्टिलवाटर में आती है, जहां लोग उसका स्वागत करते हैं। स्टिलवाटर के मेयर भी एलिसन की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि एलिसन एक बहादुर लड़की है। अब बिल एलिसन को लेकर अपने घर आता है। बिल एलिसन से कहता है कि जब तुम पढ़ने चली गई थी, तब कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हें मिलने आया था और उस वक्त मैंने एयरपोर्ट से एक नेकलेस लिया था जिस पर स्टिलवाटर लिखा हुआ था और वो स्टिलवाटर लिखा हुआ नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था। बिल एलिसन से पूछता है कि अब वो नेकलेस कहाँ पर है। यह सुनकर एलिसन रोने लगती है और वो बिल से कहती है कि मैं गुस्से में थी और मैं अमांडा को सिर्फ डराना चाहती थी क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। एलिसन अपनी गलती के लिए बिल से माफी मांगती है। तब बिल एलिसन को शांत रहने के लिए कहता है। अब बिल और एलिसन घर के बाहर बैठे हुए थे। एलिसन बिल से कहती है कि मैं मॉम को बहुत मिस करती हूँ। बिल भी अपनी वाइफ को मिस करता था और यहाँ उसने मैगी और माया का प्यार भी खो दिया था। और बस यहीं पर स्टिलवाटर मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई स्टिलवाटर मूवी को IMDB पर 6.7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वहीं रोटन टोमेटो पर इसे 75% एंड ऑडियंस स्कोर 72% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।